तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार डेलीगेशन पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया का जो रैंक है वेरियस कैटेगरी के इंडेक्स यानी कि सूचकांक वाले जो प्रश्न आते हैं उसमें 2018 से लेकर 2020 तक के जो इंडिया का कौन सा नंबर पे रैंक है, कितना रैंक बढ़ा है, कितना घटा है, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इस तरह से जैसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा नंबर है, ऐसे करके जितने सूचकांक वाले प्रश्न हैं वो हम इस वीडियो में लेके आए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के जो वीडियो है लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है। तो आपको बता दूँ इंडिया का रैंक इसमें 140वां है और इसमें जो दो रैंकों की बढ़ोतरी हुई, 2018 में जो रैंक था वो 138वां था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में पहले नंबर पे कौन से कंट्री है, तो पहले नंबर वर्तमान में इसमें नॉर्वे है। नेक्स्ट सूचकांक की बात करते हैं तो वो होता है विश्व प्रशंसा सूचकांक यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में अगर इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो इंडिया की वर्तमान रैंकिंग जो है 140वां है। अगर हम बात करते हैं कि इसमें पहले नंबर पे कौन से कंट्री है, तो पहले नंबर पे फिनलैंड है। नेक्स्ट कैटेगरी में बात करते हैं विश्व नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 52वां है। इसके अलावा अगर पहले नंबर पर बात करें तो पहले नंबर पर इस बारे में स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इसके अंदर जो भारत की रैंकिंग है वो 36वां है और पहले नंबर पे यूएसए है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगर हम बात करें भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक यानी कि करप्शन प्रिसेप्शन इंडेक्स में, तो भारत की रैंकिंग जो है 78वां है। पहले नंबर पे करप्शन में डेनमार्क का नाम आता है। अगर हम बात करें विश्व शांति सूचकांक की यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स की, तो इसके अंदर वर्तमान में जो भारत की रैंकिंग है वो 141वां है। अगर पहले नंबर पे बात करें तो पहले नंबर पे इसमें आइसलैंड है। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि कंट्री किस कंट्री में आसानी से बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, तो उसमें भारत की रैंकिंग 77वें नंबर पे है और नंबर वन पे बात करें तो नंबर वन पे न्यूजीलैंड का नाम है। अगर बात करें वैश्विक प्रतिभा सूचकांक में यानी कि ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में, तो यहाँ भी भारत की रैंकिंग जो है 80वां है। अगर पहले नंबर की बात करें तो इसमें स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं वैश्विक सूचकांक ग्लोबल इंडेक्स, ये जो है 2018 की है, तो 2018 में जो भारत की रैंकिंग है वो 58वां है और पहले नंबर पे यहाँ पे रैंकिंग अमेरिका की थी 2018 में। तो आपको बता दें कि 2019 में भारत की जो रैंकिंग है वो 80वां है और 18 में 58वीं, यानी कि कंपटीशन करने की क्षमता और घटी है और भारत की रैंकिंग जो है यहाँ भी 22 रैंक बढ़ गई है। अगर हम बात करें विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 की, तो इसमें अभी वर्तमान में भारत की रैंकिंग 43वां है। अगर ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत की रैंकिंग 67 यानी कि 67वां है और पहले नंबर पे इसमें संयुक्त राज्य अमीरात है। अगर हम हेलेन पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत की रैंकिंग 86वां है यानी कि 86 और पहले नंबर पे जापान या सिंगापुर, दोनों में से कोई एक हो सकता है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मानव पूंजी सूचकांक, ये ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2018 की रैंकिंग है जिसमें इसकी भारत की रैंकिंग जो है वो 115। मैं आपको बता दें कि 2018-19 दोनों में से किसी भी इंडेक्स से क्वेश्चन जो है आपके पूछा जा सकता है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में कई सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी 2-3 ईयर प्रीवियस का भी पूछा जाता है। तो ये रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीएस दोनों एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और वीडियो इसका जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप आसानी से यहाँ से
फाइल जो है डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। अगर हम बात करें मानव विकास सूचकांक 2018 की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 130वां है। अगर पहले नंबर पर बात करें तो यहाँ पर पहले नंबर पर नॉर्वे है। अगर हम बात करें वैश्विक भूख सूचकांक 2018 यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स वे भी आई है, ध्यान रखिएगा इसमें 2018 में जो भारत की रैंकिंग थी वो 103वां थी। अगर पहले नंबर पर बात करें सबसे ज़्यादा भूखमरी की तो वो बेलारूस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वैश्विक पर्यावरण सूचकांक यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट इंडेक्स, इस 2018 की डाटा है हमारे पास, इसमें भारत की रैंकिंग जो है 117वां है। ये डाटा अपडेट नहीं हुई है अभी, 2018 वाला ही आपको ध्यान रखना है। पहले नंबर पे इसमें स्विट्जरलैंड है, वैश्विक पर्यावरण सूचकांक में पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड और भारत की जो रैंकिंग है 177वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जलवायु परिवर्तन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2019 का डाटा अवेलेबल है हमारे पास, इसमें भारत की रैंकिंग 11वां है, काफ़ी अच्छी रैंकिंग है इसमें। और पहले नंबर पे अगर बात करें तो स्वीडन है। नेक्स्ट की बात करें भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2018 की, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2018 में जो भारत की रैंकिंग है इसको ध्यान रखिएगा, VBI 178वां, अभी हाल फिलहाल कई सारे एग्जाम में ये पूछे गए हैं। और पहले नंबर की अगर बात करें तो डेनमार्क है। तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न थे सूचकांक से रिलेटेड जो हमने आपको बता दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।